गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो लास्ट जो हमने टॉपिक ये था दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक्सप्लेन करने से पहले हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज करो हमने एक विकर लिया, विकर में किसी भी मेटल का सॉल्ट ले लिया, उसका सोल्यूशन ले लिया, मीन्स जैसे सपोज करो जिंक सल्फेट ले लिया या कॉपर सल्फेट ले सकते हैं। जिस मेटल का आप यहाँ पे सॉल्ट लेंगे उसी मेटल की स्ट्रिप इसमें डिप कर दो बेटा, कर दिया आपने डीपी। तो इसमें अगर आप देखोगे तो सपोज करिए मेटल इलेक्ट्रोड होगी, कोई भी मेटल इलेक्ट्रोड, और ये जो है आपके पास दिस इज योर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। और इसको जैसे मान लो हम जिंक सल्फेट ले रहे हैं, एग्जांपल में अगर ले हम जिंक सल्फेट ले लिया और जो मेटल ले ली ये जिंक ले ली, उसी मेटल का इलेक्ट्रोड लेंगे वही उसी मेटल का सॉल्यूशन लेंगे। अब क्या क्या इसमें चांस बन सकते हैं? तो पहला जो चांस है दैट इज कि द मेटल हैज टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, कि मेटल की टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की। तो बेटा आपके पास क्या होगा कि यहां से जो मेटल के आयन है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। सपोज ये मेटल है और यहां पे ये क्या कर रहा है, Mn पॉजिटिव में चेंज हो रहा है वाई लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, तो आयन्स में चेंज होगा। तो यहां से जो Mn पॉजिटिव आयन है वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे बेटा इस तरह से। अगर ये आयन्स बाहर निकले तो अंदर इलेक्ट्रोड में आपके पास इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, तो मींस इलेक्ट्रोड के बाहर पॉजिटिव आयन आ जाएंगे और इलेक्ट्रोड के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसके बीच में, इस मेटल इलेक्ट्रोड और मेटल आयन के बीच में, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को नाम क्या दिया जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखिए अगर डिफाइन करना चाहें आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, किसके सॉल्यूशन में जो आयन्स प्रेजेंट होंगे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बेटा इसी तरह से दूसरा इसमें क्या केस बन सकता है कि इफ मेटल हैज टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, कि रिड्यूस होने की टेंडेंसी है उसकी। तो देखिए इसमें क्या होगा बेटा, ये आपने मेटल इलेक्ट्रोड ली और वही सेम आपके पास सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है आपने, तो यहां पे आपके पास क्या होगा बेटे कि जो मेटल आयन है वो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे यहां पे, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा और जो बाहर है, बाहर अगर पॉजिटिव सॉल्यूशन में से चला गया तो यहां क्या रहेगा बेटा आपके पास, नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो अगेन वही जो डेफिनेशन है आपके पास वो सेम हो गई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन प्रेजेंट इन इट्स सॉल्यूशन, जो इसका सॉल्यूशन होगा उसी में बेटा। क्लियर है बात? तो अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो यहां पर क्या करेगा, जैसे एम एन पॉजिटिव आयन है, एन इलेक्ट्रॉन लूज करके गेन करके ये मेटल में चेंज हो जाएगा, तो ये आपके पास जो है इसके दूसरा केस हो गया बेटा। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक और तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड
टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन। ये भी आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एक और डेफिनेशन हो जाती है बेटा। तो ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है बेटा। आपने इलेवेंथ में भी टॉपिक पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये है क्या बेटा जस्ट? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इसी अरेंजमेंट को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इसमें बेटा कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे रिडक्शन पोटेंशियल हम लिथियम आयन का लेते हैं तो ये एल आई में चेंज हो जाता है और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, और ये लेंगे हम जैसे एम एन पॉजिटिव दैट इज चेंजेस टू एम। तो ये जो होता है बेटा -3.04 वोल्ट, सबसे मोर नेगेटिव होता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे पोटासियम है, पोटासियम का आता है आपके पास सेकंड नंबर पे, दैट इज -2.93 वोल्ट। इसी तरह से फिर आ जाएगा आपके पास कैल्शियम आयन, तो कैल्शियम आयन जो है सी ए में चेंज होके और इसकी जो वैल्यू आती है -2.87 वोल्ट। इसी तरह से आप कुछ एक का देखेंगे, एल्यूमिनियम का देखिए, ए एल 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ये चेंज हो गया ए एल में और इसकी वैल्यू मान लो -1.66 वोल्ट। और जैसे वाटर के लिए अगर आप देखते हैं, वाटर भी हमारे पास रिड्यूस होता है, तो वाटर अगर रिड्यूस कर रहे हैं आप वाटर को, दैट इज चेंजेस टू H2 प्लस 2OH नेगेटिव, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपके पास जो आता है वाटर का, दैट इज -0.83 वोल्ट। और नेक्स्ट जो है आपके पास, दैट इज Zn2 पॉजिटिव का ले लेंगे आप एग्जांपल, टू इलेक्ट्रॉन दैट इज चेंजेस टू Zn और इसकी वैल्यू आती है -0.76 वोल्ट। और इसी तरह से बेटा हाइड्रोजन जो रहता है H पॉजिटिव आयन गेन इलेक्ट्रॉन दैट इज चेंजेस टू H2 और इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपके पास जीरो होता है, ये याद रखें आप। और बात करते हैं कॉपर के लिए, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज चेंजेस टू Cu, इसका रहता है 0.34 वोल्ट। अब ये वैल्यू सारी बेटा पॉजिटिव आ रही है आपके पास, तो आप देख सकते हैं इसमें। इसी तरह से आपके पास ब्रोमीन के लिए है Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज चेंजेस टू 2Br नेगेटिव, तो इसकी जो वैल्यू है आपके पास ब्रोमीन के लिए जो वैल्यू रहती है आपकी, तो ब्रोमीन के लिए अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आती है, इसके लिए आती है बेटा 1.09 वोल्ट। तो एक चीज अगर आप इसमें नोट कर रहे हैं बेटा, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें टॉप टू बॉटम जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है दैट बिकम्स लेस नेगेटिव, इट मींस इसकी जो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है बेटा। क्लियर है बात? तो इनको याद रखने के लिए कुछ एक आप कॉमनली याद रख सकते हैं, बाकी वैल्यू जो आपको गिवन दी होती है न्यूमेरिकल्स में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो फर्स्ट जो आता है बेटा इसका, टू कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल ये फर्स्ट एप्लीकेशन रहेगी इसकी बेटा। तो ये आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि मेटल क्या होता है, मेटल और दोज एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड मेटल। पता है ना आपको ये बात बेटा? हाँ, तो याद रखें आप, मेटल क्या हुआ, मींस मेटल आर दोज एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज का ध्यान रखें आप कि इफ मोर नेगेटिव इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल देन मोर विल बी इट्स रिएक्टिविटी।
याद रखें बेटा आप ये चीज, जैसे मान लो आपके पास आउट ऑफ कॉपर एंड जिंक विच इज मोर रिएक्टिव, तो आपको पता ही है इसका, जिंक इज मोर रिएक्टिव ड्यू टू इट्स नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है बात बेटा? अब दूसरा आता है टू कंपेयर द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर। रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग पावर का आपने क्या करना है, अब कंपैरिजन करना है। जैसे सपोज करो मैं कुछ एक एलिमेंट का आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैंने एक दे दिया आपको Al3 पॉजिटिव, Al इसकी जो वैल्यू होती है -1.66 वोल्ट होती है बेटा, और दूसरा ले लिया हमने सपोज करो E नॉट ऑफ Pb2 पॉजिटिव Pb, इसकी वैल्यू होती है -0.13 वोल्ट, और तीसरा एग्जांपल ले लिया मैंने मान लो E नॉट ऑफ दैट इज Mn2 पॉजिटिव Mn, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास दैट इज -0.91 वोल्ट। और आपसे पूछा गया कि इनके रिड्यूसिंग पावर में या रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ में इनको अरेंज करें, तो एक चीज का ध्यान रखें बेटा, इफ मोर नेगेटिव इज द रिडक्शन पोटेंशियल देन मोर विल बी देयर रिड्यूसिंग पावर, कि इनकी जो रिड्यूसिंग पावर होगी बेटा वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इनमें से अगर आप देखोगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा आ जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, तो एल्यूमिनियम जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, देन दैट ऑफ ये आपका Mn है मैंगनीज, तो इसके बाद जो है किसकी वैल्यू आ रही है, ये माइनस में है बेटा -0.91, तो इसके बाद आ जाएगा आपके पास मैंगनीज और उसके बाद आ जाएगा आपके पास पीवी, तो ये इसमें ऑर्डर जो है वो ये रहेगा। और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इफ एन एलिमेंट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन इट विल बी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप ये लिखते हैं, इफ स्ट्रॉन्गर इज द रिडक्शन पोटेंशियल of an element then weaker will be oxidation potential, जिसका जो oxidation potential होगा वो क्या होगा बेटा, weak होगा। clear? तो याद रखें आप इस चीज को बेटे। third आ रहा है हमारे पास to calculate standard EMF ऑफ सेल। कोई भी सेल अगर आपको दिया है और उसका आपने क्या निकालना है बेटा, ईएमएफ कैलकुलेट करना है, तो आपके पास सिंपल फॉर्मूला होता है इसका, ई नॉट सेल दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट कैथोड, और ई नॉट कैथोड में क्या लेना है आपने, इसका रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे आप, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो इससे जो है आप इजिली इसकी वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड ईएमएफ की निकाल सकते हैं बेटे। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होता है आपके पास, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड एट ए एट 298 केल्विन टेम्परेचर एंड वन मोलर कंसंट्रेशन। क्लियर? तो ये आता है बेटा। और नेक्स्ट है टू प्रिडिक्ट द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिडिक सॉल्यूशन, कि एसिडिक सॉल्यूशन में से बाय मेटल, कोई भी मेटल है वो एसिडिक सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन लिबरेट कर सकते हैं नहीं कर सकते, इस चीज का आपने करना है। तो इसमें आपके पास क्या रहेगा, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि एज
रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज जीरो। तो अगर एसिड में से हाइड्रोजन लिबरेट करवानी है आपने, तो आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब करवाने पड़ेंगे, मींस जो एच पॉजिटिव है आयन है उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, तभी हाइड्रोजन गैस जो यहां पे क्या होगी बेटा, लिबरेट होगी। क्लियर बात? तो एक चीज का ध्यान रखें, केवल आपके पास वही मेटल हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होगा, मींस उन्हीं मेटल की टेंडेंसी होगी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कि वो क्या करें, हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट, इलेक्ट्रॉन लिबरेट करें, तभी उसमें से हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी बेटा। तो याद रखें, हाइड्रोजन का अगर जीरो है तो आप इसमें ध्यान दें, ओनली दोज मेटल कैन लिबरेट हाइड्रोजन गैस विच हैव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेस देन जीरो। और लेस देन जीरो में क्या देगा बेटा, आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होना चाहिए। रुक रुक रुक, और उल्टा होना। तो इसमें देखिए नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर आप इसमें एग्जांपल लेते हैं कि जिंक लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम HCl सॉल्यूशन, बट कॉपर डज नॉट, तो इसका रीजन क्या आएगा बेटा आपके पास, बिकॉज जो ई नॉट ऑफ सी यू टू पॉजिटिव सीयू मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर है, दैट इज 0.+0.34 वोल्ट ग्रेटर देन जीरो, इस वजह से वो लिबरेट नहीं कर पाता है। और इसकी लास्ट एप्लीकेशन है बेटा आपके पास कि आपने ये बताना है कि इसका जो आपके पास कौन सा प्रोसेस जो होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा, मीन्स टू डिटरमाइन स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि कौन सी रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगी और कौन सी नहीं। तो इसमें आप ध्यान रखें, ओनली दोज रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस विच हैव E नॉट सेल ग्रेटर देन जीरो, कि उनका जो E नॉट सेल है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए बेटा। इसके ऊपर आपको कई क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन है आपके पास, कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट इन एल्यूमिनियम पॉट, Support your answer with E naught value Al3 positive Al -1.66 volt and Cu2 positive Cu 0.34 volt। ये आपके पास क्वेश्चन दिया होगा, तो आपने कैसे इसको सॉल्व करना है। एक चीज हमेशा याद रखें, ऐसे कोई भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो एक चीज अपने माइंड में बिठा लें कि आपको कोई भी पॉट दिया हुआ है, कंटेनर है, कोई आपको स्पून दिया हुआ है, उनको हमेशा आप ऐसे क्वेश्चन में एनोड कंसीडर करें। और अगर दूसरा आप देखें, इसमें आपको कोई सॉल्यूशन दिया है, कोई गैस दे रखी है, उनको आपने क्या कंसीडर करना है, दैट इज कैथोड। फिर आप क्या निकालें, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करें। तो देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है, ई नॉट ऑफ रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ रिडक्शन ऑफ एनोड, ये फॉर्मूला होता है बेटा। अब आप एक चीज देखिए, यहां पे हमारे पास जो पॉट दिया गया है, जो कंटेनर है, वो किसका है, एल्यूमिनियम का है। तो इट मींस हमने इसको क्या कंसीडर करना है, दैट इज एनोड।
और जो हमारे पास सॉल्यूशन दिया है वो किसका दिया है, दैट इज कॉपर सल्फेट, तो इसको क्या कंसीडर करेंगे, कैथोड। इस तरह से आप इसका क्या निकालें, ई नॉट सेल कैलकुलेट कर लें बेटा। तो इसमें देखिए ई नॉट ऑफ CO2 पॉजिटिव CO माइनस ई नॉट ऑफ Al3 पॉजिटिव Al, इसकी वैल्यू आप यहां पे पुट कर लें तो आपके पास जो आएगी वैल्यू दैट इज 0.34 माइनस माइनस 1.66, और अगर इसे आप लिखते हो तो 0.34 प्लस 1.66 और ये बन जाएगा आपके पास बेटा दैट इज 2 वोल्ट। तो अब आप इसमें देखोगे कि सिंस ई नॉट सेल इज ग्रेटर देन 0 सो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड वी कैन नॉट स्टोर द कॉपर सल्फेट इन एल्यूमिनियम पॉट। तो बेटा ये आज का टॉपिक था आपका, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ओके थैंक्स।